ऐसा भी लगता है कि एक तो दुष्टों को समाप्त करने के लिए और दूसरा प्रेम को प्रवाहित करने के लिए और प्रेम की परिभाषा इस दुनिया को देने के लिए, एक नई परिभाषा देने के लिए। जो प्रेम की परिभाषा लोग समझे हैं या जानते हैं वो नहीं, एक नई परिभाषा देने के लिए कि प्रेम होता क्या है। और देवकी के कष्ट हरने थे, सारी संतानों को जब समाप्त कर दिया था तब मानो धरा भी ये पुकारने लगी थी, देवकी भी पुकारने लगी थी, समस्त देवी देवता भी पुकारने लगे थे। और उस समय कहा था कि अब अवतार लो, अवतार लो। तुम मथुरा की जेल में साक्षात चतुर्भुजी भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और तब भगवान विष्णु ने पूरी योजना बना करके कहा कि मुझे गोकुल में पालना है, गोकुल में भेज देना, वहां प्रेम की लीलाओं को करते हुए फिर मैं दुष्टों का दमन करने पुनः यहाँ पर आऊंगा, क्योंकि जो बचपन है वो तो प्रेम में ही सींचा जाना चाहिए। जेल में बचपन ठीक नहीं बनेगा, जेल में रह भी कैसे सकते थे, भगवान किसी बंधन में रहते भी नहीं है, और ये जीव बंधन में रहने के लिए भी नहीं आया, वो तो भगवान। आज सारी जी योजना बता दी, सब समझा दिया, और अब जब पुकारा है सबने, आज पूरी प्रकृति पुकार रही है। राधा रानी भगवान से एक वर्ष पहले ही आ गई थी, उनका प्राकट्य एक वर्ष पूर्व हो गया था, अब भगवान का आने का भी समय है। सारा आसमान पुकार रहा है, सारी धरा पुकार रही है, चिड़ियां चहचहा रही है, पुष्प मुस्कुरा रहे हैं, पूरी प्रकृति मुस्कुरा रही है, लहर लहर के नदियां कह रही है कि आइए प्रभु। आज यमुना महारानी कह रही है आओ प्रभु, ब्रज का कणकण बुला रहा है, आज मयूर नाच रहे हैं, आज बुला रहे हैं आइए प्रभु, आइए अवतार लीजिए। और अब समय आया कि भगवान विष्णु जो चतुर्भुजी थे अपने बाल रूप में मथुरा की जेलों में प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं और अब यहाँ से वसुदेव जी उनको लेकर के गोकुल में पहुंचे। अपने आप हथकड़ी बेड़ी खुली, पहरेदार सोए, सब कुछ व्यवस्था बन गई, गोकुल में पहुंचा दिया है। और गोकुल में जैसे ही पता लगा कि आए हैं श्याम सुंदर, आए हैं लाला ब्रज के, तब तो सारे मोहल्ला में हल्ला हो गया और मैया यशोदा के लल्ला हो गया पूरे मोहल्ला। अरे यशोदा मैया के लाला भयो है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मैया के लाला भयो है, पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया और मैया यशोदा के लल्ला हो गया, पूरे मोहल्ले में यही चर्चा है, चलो दर्शन करके आए। और ऐसा उत्सव अनंत उत्सव है, हम सबके जीवन में एक उत्सव लाने के लिए ही श्री ठाकुर आए हैं। आओ हम भी उस उत्सव में सम्मिलित हों, फिर प्रभु की कुछ लीलाओं का दर्शन करते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करेंगे।